नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारी ये वॉशिंग मशीन होती है, इसका जो ड्रेन पाइप यहाँ पर नीचे होता है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ड्रेन पाइप ले आया हूँ। यह ऐसे लिफाफे में आता है, ऐसे पैकेट में, और ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर से निकाल लिया है। ये इस तरीके से होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ओनिडा कंपनी की है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, 230 वोल्ट, 7.2 kg और 400 वाट की है, स्पिन 160 वाट की है। ये इसका मॉडल नंबर है और मैं आप लोगों को फ्रंट से इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका ये वॉशिंग एरिया है और इधर इसका ये स्पिन एरिया है जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं। तो अभी इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो ड्रेन पाइप है वो टूट चुका है, तो उसी को मैं आप लोगों को लगा करके दिखाऊंगा। तो चलिए, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इसके पीछे आ जाना है। यहाँ पर इसका ड्रेन पाइप है, यहाँ पर स्पिन और दोनों का इकट्ठा होकर के यहाँ से ड्रेन हो जाता है पानी जो होता है। तो आपने दोस्तों कुछ नहीं करना है इसको निकालने के लिए। सबसे पहले मैं वायरिंग इस कर देता हूँ कि कोई इसमें और भी प्रॉब्लम थी, इसकी स्पिन मोटर ख़राब थी, उसको मैंने ठीक किया है। तो देखिए दोस्तों, सभी वायर को मैंने इस साइड कर दिया है। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ऐसा टेस्टर हो, ऐसा हो या ऐसा हो, छोटा हो, जो इसके अंदर चला जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आपने ऐसे इस टेस्टर को ले लेना है, चाहे आप ये ले सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, जैसे ये देखिए यहाँ पर इसका जॉइंट होता है और इसके अंदर गम लगी हुई होती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना है या टेस्टर जो भी हो आपको, और ये देखिए ऐसे आपने बड़ी आसानी से इसको इधर से ऐसे डाल देना है। तो देखिए ऐसे आप डाल के ऐसे इसको घुमाएंगे तो इसका जो भी इसमें गम होगी वो सारी निकल जाएगी। तो ऐसे आपने सारी तरफ घुमा देना है। देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे निकलने लगा है। इसको डाल के हम नीचे की तरफ यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे। तो मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बैठ जाता हूँ, इस पर पैर लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल अकेला ही काम कर रहा हूँ और मोबाइल भी मैंने ही पकड़ा हुआ है। तो इसको हम आराम से खींच लेंगे बाहर को। तो मैं थोड़ा कैमरे को सेट करता हूँ, फिर आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मोबाइल को सेट कर दिया है और ये देखिए, अभी मैं दोबारा आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इसको ऐसे डाल के आपने खींचते रहना है एक हाथ से, और एक हाथ से इधर आपने पेचकश डाल दे। धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो अभी दोनों हाथ से इसको खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका ये जो फ्रंट था ये बाहर आ चुका है। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ी गम लगी हुई होती है। तो अभी हमने इसको, ये जो इसका एरिया है, इसको साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। तो आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है, इसको बाहर से ऐसे साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। साफ़ करने से आपका ये जो नया लगाओगे आप, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर इस पर चढ़ जाएगा अच्छे तरीके से। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है, अभी हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा फेवी बॉन्ड। तो आपने इस पर फेविक्विक वगैरह नहीं लगानी है, क्योंकि वो एक बार चिपक जाती है तो खुलती नहीं, क्योंकि हमें इसको बार बार कई बार चेंज भी करना पड़ जाता है जब ख़राब होती थी हो जाती है। तो यहाँ पर हम फेविबॉन्ड लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा गिरा देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर भी ऐसे करके घुमा देंगे एक बार, बस ऐसे। तो इसमें लग चुकी है, और यहाँ जहाँ हमने इसको इसको लगाया था फेविबॉन्ड को, ये इस तरफ यहाँ ऐसे लगा करके इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे आराम से, सिंपली। थोड़ा सा कैमरा पीछे करता हूँ, इस तरफ करता हूँ। तो देखिए, इसको ऐसे ऊपर चढ़ा देंगे थोड़ा। ये देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत बिल्कुल आसान है। ये देखिए, पुराने वाला है और नया लग चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कितने सिंपल तरीके से देखा कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये ड्रेन पाइप लगाना सिखाया। कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, बस आप इसको बाहर से निकाल दीजिए कोई भी ब्रेक पेचकस से, और फिर फेविबॉन्ड वगैरह लगा करके आप इसको ज़ोर से अंदर को डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फेविबॉन्ड लगाया है तो ये निकलेगा भी नहीं। तो ऐसे ही आप लोग इसको लगा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और अलग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।